हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी कुकिंग बाय सुधा में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी मेथी मुठिया की रेसिपी, जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 50 ग्राम्स मेथी का साग लिया है, जिसे मैंने साफ करके धोकर रखा है। तो इसे जो हमें इस प्रकार से काट लेना है। तो फ्रेंड्स, ये एक कप मेथी का साग है हमारा। तो कप में मेथी को मैंने अच्छे से प्रेस करके भरा। अगर आप नॉर्मल तरीके से भरेंगे तो 1.5 कप है। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डाल लेंगे। नमक डालने से क्या होगा, साग के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है और इसकी जो क्वांटिटी है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। तो इससे क्या है, आप अधिक से अधिक साग यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 इंच अदरक, 5 हरी मिर्च और 5 से 7 कलियाँ लहसुन की ली है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच सौंफ। उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। तो फिर इस मसाले को हमें थोड़ा सा दरदरा पीसना है। ये देखिए, तो मैं इसे साइड में रख देती हूँ, इधर देख लेती हूँ। 5 मिनट हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं इसकी जो क्वांटिटी है काफ़ी कम हो गई है। इसके बाद जो हमने मसाला तैयार किया था उसे इसी में डाल देंगे। इसके बाद 1 बड़ा चम्मच हम इसमें सफ़ेद तिल डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 2 पिंच गर्म मसाला डालेंगे और 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन को हम क्रश करके डालेंगे। इसके बाद 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर डाल देंगे और 1 बड़े साइज का नींबू लेंगे, उसका हम जूस डाल देंगे। इसके बाद 1.5 बड़े चम्मच हम इसमें चीनी डालेंगे, क्योंकि ये एक गुजराती डिश है तो आपको हल्की सी मीठी ही मिलेगी। दूसरी बात, इसमें मेथी पड़ी हुई है, मेथी का जो टेस्ट है हल्का सा कड़वा होता है, तो आप चीनी जरूर डालिएगा। अब हम इसमें 1.5 कप जो है गेहूँ का आटा डाल देंगे। इसके बाद 1/2 कप हम इसमें बेसन डालेंगे। इसके बाद 1.5 छोटे चम्मच हम इसमें स्पाइसी सॉल्ट डालेंगे, आप इसकी जगह प्लेन सॉल्ट भी डाल सकते हैं। इसके बाद 1/4 छोटा चम्मच इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। इससे क्या है, हमारा नाश्ता एकदम सॉफ्ट और फुला फुला बनता है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद 1 बड़ा चम्मच हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। इसके बाद जो हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो तैयार करेंगे। जिस प्रकार से हम रोटियों के लिए आटा लगाते हैं उसी प्रकार से तैयार करना है। तो ये फ्रेंड्स डो हमारा तैयार हो गया। हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, 5 से 10 मिनट हो गए, हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, इसे थोड़ा सा हम सॉफ्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ काट लेंगे इस प्रकार से। इसके बाद हाथ में हम ऑयल लगाएंगे, 1 लोई लेंगे और इसे हमें सिलेंडर शेप में बना लेना है। तो इस प्रकार से जो है हमें सारे रोल्स जो है तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ मैंने सारे रोल्स तैयार कर लिए हैं। इधर कढ़ाई में मैंने पानी रख दिया था, पानी उबलने लगा है। इसके ऊपर हम दूध के ऊपर रखने वाली जाली या फिर बड़े होल वाली कोई भी प्लेट लेंगे। सारे रोल्स हम इसके ऊपर सेट कर देंगे। इसके बाद इसे हम कवर कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर 12 से 15 मिनट हमें इसे पकने देना है। तो चलिए देखते हैं, 12 से 15 मिनट हो गए हैं। रोल्स जो हैं पहले की अपेक्षा थोड़े से बड़े साइज़ के होगा और ये क्रैक भी हो गए हैं, यानी ये रोल्स जो हमारे अच्छे से पक गए हैं। इन्हें हम निकाल के रख देंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हम इन्हें इस प्रकार से छोटे छोटे पीसेस में जो है कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सारे रोल्स कट कर लिए हैं। आप चाहे तो इन्हें ऐसे ही खा सकते हैं या फिर इन्हें थोड़ा सा फ्राई भी कर सकते हैं। तो कढ़ाई मैंने इधर रख दी। हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल और 1/2 चम्मच हम इसमें राई डालेंगे। जब राई और तिल चटकने लगेंगे तब हम इसमें कटे हुए रोल्स डाल देंगे। फ्लेम को हम मीडियम या लो टू मीडियम करेंगे और 2 से 3 मिनट जो है हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट हो गए हैं, ये रोल्स जो है हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए स्वादिष्ट और हेल्दी मेथी मुठिया की रेसिपी हमारी तैयार हो गई। थोड़े से खट्टे, थोड़े से तीखे और थोड़े से मीठे हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में। आप इसे अपनी मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमसे शेयर कीजिएगा। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ इसी प्रकार से एक नई रेसिपी के साथ।